आप जानती भी हैं आप किससे शत्रुता मोल ले रही है। बताइए, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। हम देवपट्टन के वीर सैनिक हैं। देवपट्टन को हम भली भांति जानते हैं। वहां पर सिर्फ एक ही होता है, क्योंकि सब देशद्रोही है वहां। उद्दंड लड़के, देवपट्टन के बारे में ऐसा कहने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? चलो यहां से। अगर स्वयं को वीरांगना समझती हो तो कल यहां आकर अपना वास्तविक परिचय दे देना, फिर हम समझेंगे देशद्रोही कौन है। लुटेरे देशभक्त नहीं होते। हे सोमनाथ, ये कौन है? इसकी दृष्टि में देवपट्टन के सभी लोग देशद्रोही हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं। हमारा उद्देश्य किसी के प्राण लेना नहीं है, और ऐसे वीर योद्धा का तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी गलती केवल यही थी कि उसने हमें भरूच का सोना ले जाने से रोकने की चेष्टा की है, और हमने उसे वापस पा लिया। मत घुमा करी, यदि आपको कुछ हो जाता तो मैं और सुमा तो जीते जी मर जाते। आज हमें सोमसेना ने बचा लिया, नहीं तो हम जानते हैं ज्वाला, सुमा के रहते हुए हम पर कभी आंच नहीं आ सकती। हमें सोमा बहने नहीं, सोमसेना ने बचाया आज। हाँ ज्वाला, हम भी तो यही कह रहे कि अगर सोमा की बात आप मानते तो आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। सुनो, सारे गांव वालों को हंसा बहन ने इसी समय बुलाया है, तुम लोग भी चलो। अब घर पे रहेगा, कहीं मत जाएगा। हम अभी आते हैं। भरूच के महाराज भानुमान का संदेश आया है। उन्हें संदेह है कि सोमसेना के कुछ सदस्य हमारे गांव की लड़कियां हैं। यदि ऐसा हुआ तो हंसा बहन तुम सबके सामने ये सौगंध खाती है, हम उन लड़कियों को ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार को महाराज भानुमान को सौंप देंगे। इसके बाद उनका परिणाम क्या होगा ये तुम सब भली भांति जानते हो।
सच बता, कहाँ थी तू? वो हम मिर्ची लाने गए थे, अभी ले आएंगे तो सुबह सुबह काम शीघ्र आरंभ हो जाएगा। मिर्ची लाने में इतना वक्त लगता है? हम नहीं, नहीं, सुबह से किसी ने भी नहीं देखा तुझे। मैंने देखा था कि सुबह घर के बाहर बकरियों को पत्ते डाल रही थी। हाँ, उसने मुझे भी चलने के लिए कहा था, परंतु मैंने मना कर दिया। हंसा बहन, मेरी बच्ची तो सुबह से घर पे ही थी, बस थोड़ी देर पहले ही वो गई है। हंसा बहन, ये मिर्ची हम आपके आंगन में रखवा दे। क्यों? वो क्या है ना, मिर्ची अभी तक पूरी तरह सूखी नहीं है, अगर भूमि पर रखेंगे तो गीली होकर सड़ जाएगी। आंगन पत्थर से बना है ना? ठीक है ठीक है, जा जा कर रख दे। तुम लोग क्यों खड़े हो? जाओ जाकर काम करो। पेशावर जा रहा था। पेशावर? क्यों? क्योंकि गजनबी अफगानिस्तान से पेशावर आ पहुंचा है। अभी अपने प्राणों की चिंता नहीं है ना आपको? कैसे कैसे जोखिम भरे कार्य करती रहती है, यदि आपको कुछ हो जाए तो क्या हम देख पाएंगे? कुछ भी करती रहती है। आप जानते हैं कि हम अपना कितना ध्यान रखती हैं, उसके बाद भी आप हमारे लिए इतनी चिंतित क्यों रहती हैं? चिंतित कैसे ना हो शोभा, 16 वर्षों से हमने अपनी पहचान छुपा कर रखी है, कोई भी नहीं जानता कि चालुक्य वंश अभी भी जीवित है। आपकी जरा सी भूल से हम सबकी दृष्टि में आ जाएंगे और उसके बाद भानुमान पता नहीं। हमें अपने भरोसे को उस विश्वासघाती भानुमान से वापस लेना है और उसके लिए संघर्ष तो करना ही होगा। परंतु शोभा, आपके संघर्ष से लोगों को संदेह हो जाएगा कि आप रानी बा, और इसी भय से आपने पुरु काका जैसे योद्धा से वचन लेकर उन्हें हमारे साथ कार्य करने से रोक रखा है। नहीं, हमने पुरु से कोई वचन नहीं लिया है, उसने स्वयं हमें वचन दिया है कि वो प्रकट रूप से ऐसी किसी भी गतिविधियों में सम्मिलित नहीं होगा जिससे किसी को भी हम पर संदेह हो। रानी बा, आप चिंता मत कीजिए, हम भी आपको वचन देते हैं कि आज के बाद हम जो कुछ भी करेंगे उससे किसी को भी हम पर संदेह नहीं होगा। चौला बहन, आप उस पिंजरे में कैसे पहुंची? हमने आपसे कितनी बार कहा है कि घर से अकेले मत निकले, जानती भी है कौन लोग थे वो? भरूच तो दूर भारत से बाहर भेजते थे आपको, फिर कहां कहां ढूंढते हम आपको? एक नहीं, पूरे 20 सैनिक और सब के सब शस्त्रों से लैस। वो तो अच्छा, सोमा बहन, आपको किसे पता चला कि वहां 20 सैनिक थे और वो भी शस्त्रों के साथ?
वो पुरु काका आपको बुला रहे हैं। आइंदा से कहीं भी अकेले मत निकलना, अपना ध्यान रखना। सोमा बेन, पुरु काका आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखो ध्यानचंद, हम तुम्हें बचाने आए, तुम हमें सब कुछ सच सच बता दो। यदि तुमने हमें समय सब कुछ सच सच नहीं बताया तो हमारे यहाँ से जाने के बाद पुरु काका तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हमें बताओ ध्यानचंद, सोना इस ओर से कहाँ जा रहा है? वो रास्ता गजनी का तो नहीं था। मुझे पता नहीं है, हम सच कह रहे हैं। पुरु काका, छोड़ दीजिए। सच हमें अब मुक्त कर रही है? हाँ, यहाँ से 5 मील दूर भानुमान के सैनिक तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तो हम तुम्हें मारकर पाप का भागी क्यों बने? नहीं नहीं, यदि आपको बता दिया तो सोना कहाँ जा रहा है और किसके पास जा रहा है तो आप हमें मार देगी। नहीं, तुम्हारी पत्नी और बच्चे भरूच की सीमा पर बैलगाड़ी लिए तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब फैसला तुम्हारा है, तुम क्या करना चाहते हो? तुम मृत्यु पसंद करते हो या अपने परिवार के साथ रहना? सोना पेशावर जा रहा था। पेशावर क्यों? क्योंकि गजनबी अफगानिस्तान से पेशावर आ पहुंचा है। वो भारत आ रहा है, वो भानुमान से मिलकर कई हिंदुस्तानी रियासत पर अधिकार करना चाहता है। हमें अभी इसी वक्त देवपाटन जाना होगा। परंतु क्यों? क्योंकि राजकुमार भीमदेव जी एक अकेले ऐसे योद्धा हैं जो गजनबी का सामना करने में हमारी सहायता कर सकते हैं। परंतु वहां तक पहुंचोगे कैसे? पेशावर के वजीर आजम, सोने का वजन अभी भी हमसे कम है। अपने गले का ये हार उतारो, शायद वजन बराबर हो जाए। सुल्तान हजरत, ये माला हमारे पुरखों की धरोहर है, हमसे जीते जी कदाप नहीं उतार सकते। तो ठीक है,
ताकतवर, शहंशाहों का शहंशाह कौन? गजनी का सुल्तान अमीर महमूद गजनवी। गजनी का सुल्तान अमीर महमूद गजनवी। गजनी के सुल्तान अमीर महमूद गजनवी। गजनी के सुल्तान अमीर महमूद गजनवी। गजनी के सुल्तान अमीर महमूद गजनवी। हमारे जांबाज से पैसा लारो, हमारा अगला पड़ाव हिंदुस्तान है। गुस्ताखी माफ़ सुल्तान नजर, भरूच से एक बुरी खबर आई है। अब तक गजनवी के पास ये समाचार अवश्य पहुंच गया होगा कि इस वर्ष भरूच से जाने वाला सोना उस तक नहीं पहुंचेगा। यह सुनते ही वो अपने होश खो देगा। नहीं, भरूच में ऐसा चाला कब से पैदा हो गया जो गजनवी को भेजी गई अमानत को लूट ले। इस गलती का खामियाजा नमक हराम हनुमान को भुगतना पड़ेगा। हम उसे ऐसी सजा देंगे जो उसकी रूह कांप उठेगी। जांबाज सिपाहियों, हम ऐसे वक्त भरूच कूच करेंगे और इतना सोना हासिल करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां सोने की सूरत देखने को तरस जाएंगी। उसका रंग कैसा होता है। उसकी खुशबू कैसी होती है। परंतु भरूच आने से गजनवी को क्या लाभ होगा सुमाबेन? वहीं से हिंदुस्तान की सारी रियासतें और हुक्मरानों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को अंजाम दें। आप अच्छी तरह जानते हैं भरूच के आसपास के राजाओं ने हमारी गुलामी कबूल कर ली। अब वहां की आवाम अपना जाती सोना हीरे जवाहरात हमें खुद पेश करेगी। समय बहुत कम है, हमें शीघ्र ही अपनी योजना की तैयारी में जुट जाना होगा। आने दो गजनवी को, सुना तो बहुत है उसके बारे में। एक बार आमना सामना हो गया तो उसे ऐसा सबक सिखाएंगे। सोनाली बहन, गजनवी कोई साधारण शत्रु नहीं है। लोमड़ी जैसी मक्कारी, तित्त जैसी दृष्टि और चीते सी फूर्ती से क्रूरता की अति कर देता है। इन 16 वर्षों में सोना और चांदी के लालच ने उसे और भी क्रूर बना दिया होगा। उसका सामना करने के लिए केवल सैन्य बल ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से शक्तिशाली होना होगा। हम तुम्हारे साथ हैं सुमाबेन, बताओ हमें क्या करना होगा। हमें ऐसी रणनीति बनानी होगी जो गजनवी को समाप्त करने में सफल हो। इंशाअल्लाह फतेह हमारी होगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ। खुदा की कसम उन्हें ऐसा तड़पा तड़पा कर मारेंगे कि उनकी पुश्तें कब्र से उठ पड़ेंगी। भरूच के वीर सैनिकों, इस झुमके को ध्यान पूर्वक देख लो। अब यही झुमका हमें सोम सेना तक पहुंचाएगा। युवराज प्रचंड मान का ये सख्त आदेश है कि भरूच के सभी 15 सुनारों से ये पता लगाया जाए कि ये झुमके किसने बनवाए। आज तो बताया ही नहीं, जो सैनिक इसमें सफलता प्राप्त करेगा, पता लगाएगा, उसे भरूच के युवराज प्रचंडमान चिका। भरूच के युवराज प्रचंडमान के साथ सही चमत्कारी का खेत पर जाने का अवसर मिलेगा। हाँ।
सोचो यदि मुझे ये पुरस्कार मिल रहा होता ना तो मैं यहाँ खड़े खड़े अपना समय नहीं गवाता। क्या करता? मैं दौड़ पड़ता। कैसे दौड़ता दिखाऊं? जाकर पता लगाओ कहां से इतने सारे मसालों की मांग कर। आभा ये टोकरी में दे दो। ये टोक सुमा बहन इस हंसा बहन को तो नहीं सुना ले। तुमने याद नहीं हमने क्या कहा था? हाँ हाँ याद है, तभी तो इस निशंस हंसा बहन को ऐसे ही छोड़ रहे हैं और इसी के कारण हमें इस ग्राम में शरण मिली है और भानुमान के सैनिक हम पे संदेह ही नहीं करते। जब जानती हो तो फिर धैर्य रखो। ये सोमनाथ कहाँ गिर गया? झुमका बाकी झुमके थे और मैंने बिना बताए पहन लिए। मुझे मुझे तो जाना ही नहीं चाहिए था। चौला क्या ढूंढ रही हो? कुछ नहीं बा, मैं तो बस बस यूं ही। हम आपको ये बताने आए हैं कि आप भोजन कर लीजिएगा, हमें और सुमा को आने में विलंब होगा। क्यों बा? हंसा बहन को कल बड़ी मात्रा में मसालों की पूर्ति करनी है, इसलिए हम सब मसाले कूटेंगे। ठीक है, भोजन कर लीजिएगा। इसे पहचानता है? इसे तूने बनाया था? नहीं, नहीं माई बाप, ये हमने नहीं बनाया। सुमा बहन, मिर्च की इतनी बड़ी खेप की मांग देव पाटन से आई है। देव पाटन के राजकुमार भीमदेव 16 वर्ष के पश्चात अपनी शिक्षा समाप्त करके लौट रहे हैं। राजकुमार भीमदेव शिक्षा समाप्त करके वापस आ रहे हैं? क्या हुआ सोमा, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, हमें अभी इसी वक्त देवपाटन जाना होगा। देवपाटन? हाँ, परंतु क्यों? क्योंकि राजकुमार भीमदेव एक अकेले ऐसे योद्धा हैं जो कसनवी का सामना करने में हमारी सहायता कर सकते हैं। परंतु वहां तक पहुंचोगे कैसे? सुमा बहन हमारी सहायता कीजिए। अभी नहीं चला बहन, हमें कुछ काम है। एक बार ये बात तो सुन लीजिए पहले।
क्या बात है चोला बहन, आप बड़ी परेशान लग रही हो। हाँ सोमा बहन, मेरी कान का झुमका खो गया है। दिखाइए मैं कैसा दिखता है। ये हमारे नहीं बा के झुमके थे। वही झुमके जो खाकर शिंदे रानी बा को दिए थे। क्या हुआ, क्या हमसे कोई भूल हो गई? ये झुमके बा के है ना, और आपसे कितनी बार कहा है कि बा के किसी भी चीज को ना पहने। पहन लिया तो क्या करूं बहन, देखिए ना खो भी गया। और अब बा को पता चलेगा तो बहुत क्रोधित होंगी। कोई बात नहीं, किसी सुनार से ठीक ऐसे ही बनाने का प्रयत्न करते हैं हम। हिम्मत राम, ये झुमका तुमने बनाया था? नहीं सरकार, हमने नहीं बनाया और ना ही हमने ऐसे किसी को पहने देखा है। झुमका है, इसे देखकर ठीक इसी की तरह एक दूसरी जोड़ी बनवा दीजिए। ठीक है, बाद में लेके आना। ठीक है, मैं यहीं रख जाती हूँ काका, बाद में आकर ले जाऊंगी। अरे रुको रुको बेटा, ये झुमका तुमने बनाया था? क्या हुआ काका? कुछ नहीं कुछ नहीं, बहुत सुंदर है। तुम बैठो, अभी मैं बना करके लाता हूँ। नहीं नहीं काका, हमें भी चलना है, हमारी चोला बना कर ले जाएंगी। अरे नहीं बेटा रुको रुको, नहीं नहीं काका हमें जाना है, वो आकर ले जाएगी। अरे रानी बा, अब आपकी चिंता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। जैसे ही राजकुमार भीमदेव को सारी सच्चाई का पता चलेगा, वो हमारी सहायता जरूर करेंगे। और फिर हमारी इतनी सालों की प्रतीक्षा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। भगवान सोमनाथ करे ऐसा ही हो शोभा। चलते हैं बा। बा, अगर चोला बहन हमारे बारे में पूछे तो उनसे कह देना कि हम मनसा बहन के किसी कार्य से गए हुए हैं। केशव बा, पर अपना ध्यान रखिएगा। अरे वाह, यही है दूसरा जोड़ा। चाबुक
कहा कहा कोड़ा नहीं समझे? अरे मूर्खो, इसका अर्थ ये है सोमा ही सोमसेना की मुखिया है। सोमा अब आएगा मजाक खेलकर। झुमका झूमे झूम के सोम की सेना ढूंढ के। बोलो ना, बोलो ना। झुमका झूमे झूम के, झुमका झूमे झूम, झुमका झूमे झूम के सोम की सेना ढूंढ के। रहने दो, ये झुमके पहन लो। वाह पुत्र वाह, तुमने असंभव को संभव कर दिया। आज तुम्हारे पिता का सर गर्व से ऊंचा हो गया। एक साधारण से साक्ष्य के आधार पर तुमने कुछ ही पलों में अपराधी का पता भी लगा दिया। उत्तम, अति उत्तम। बापूश्री, आप बस कुछ पल और प्रतीक्षा कीजिए। आपके समक्ष इस चोरी का असली अपराधी बहुत जल्द खड़ा होगा और यह प्रचंड मान का वादा है आपसे। हम उस अपराधी से अवश्य मिलते पुत्र, परंतु हमें इसी समय देवपट्टन जाना है, क्योंकि गजनवी के क्रोध से बचने के लिए हमें सोने चांदी का प्रबंध तो करना ही होगा। तब तक तुम उस लुटेरे दल के मुखिया को पकड़ लो। अवश्य बापूजी, जैसी आपकी आज्ञा। चलो, सोमसेना की उस उड़ती हुई चिड़िया को धर दबोचे। ले गई और वापस भी नहीं आई। परंतु मेरा हृदय कहता है कि वो अवश्य आएगी, वो आएगी, अवश्य आएगी। राजकुमार जी, चलिए पाटन चलिए, महल में सब लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। काका, आप देव पाटन जाइए और बा और बापूजी को सूचित कर दीजिए, मैं कल ही वहां पहुंचूंगा। परंतु राजकुमार। काका, हम यहाँ किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं और जब तक उससे भेंट नहीं हो जाती हम वापस नहीं आ सकते। अब जाइए काका, उस लोटरे को तो हम पकड़ कर ही रहेंगे। जैसा आपका आदेश राजकुमार। पट्टन को हम भली भांति जानते हैं, वहाँ पर सिर्फ एक ही होता है, बाकी सब देशद्रोही है। वहाँ लुटेरे देशभक्त नहीं होते। मुझे देशद्रोही और स्वयं को देशभक्त कहती थी,
विश्वास भी किया तो एक लुटेरे पर। हे प्रभु, तेरे इन झुमके और इन बहते हुए आंसुओं की सौगंध है, हम आपके चरणों में इतने सारे घी के लड्डू चढ़वाएंगे कि पूरे भरूच में साल भर भोग लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बस भगवान जी मेरी सहायता कीजिए, किसी भी तरह मुझे देव पट्टन का रास्ता दिखा दीजिए। भगवान रास्ता दिखा दीजिए। ए सुनो, कौन बोला? आप बोले? यहाँ पीछे तुम देवपाटन क्यों जाना चाहती हो? कुछ काम है, तुम्हें क्यों बताएं? क्षमा कर देना प्रभु, हमारी पूजा में विघ्न आ गया, पर किसी तरह हमें देवपाटन का रास्ता दिखा दीजिए भगवान। हम इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम भी देवपाटन ही जा रहे हैं। मेरा पैर तो छोड़ो। नहीं, ये पैर हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप हमें अपने साथ ले जाने का वचन नहीं देते। ठीक है ठीक है, मेरे पैरों को तो छोड़ो। तुम तो नहीं, नहीं, आप तो इंसान के रूप में भगवान है। भगवान लीजिए लीजिए, वो खाइए लीजिए ना, हम अपना फोटा लेकर आते हैं। फिर हम कहाँ बैठेंगे? तुम बैठोगी नहीं, चलोगी, और वो भी हमारे घोड़े की लगाम पकड़कर। हे भगवान, कलयुग, घोर कलयुग, एक अबला असहाय युवती पैदल चलेगी और आप जैसे हृष्ट पृष्ट सैनिक घोड़े पर, क्या यही सिखाया आपने? देखो, दो विकल्प है तुम्हारे पास, या तो हमारा काम मानो या मंदिर में बैठकर प्रार्थना करो भगवान से कि मुझ जैसे व्यक्ति को फिर से भेज दे। क्या विचार किया तुमने, हमारे साथ चलना है या मंदिर में प्रार्थना करनी है? चलो। एक बात बताइए सैनिक, आप वहां क्या कर रहे थे? एक लुटेरे की प्रतीक्षा कर रहा था। अरे वाह, लुटेरे! अब लुटेरे तो लुटेरे होते हैं, आएंगे तो फिर लूटेंगे। वैसे आप स्वयं को फिर से लुटवाना चाहते हैं? तुम चुपचाप चलो, मियां उसे पकड़ने के लिए आए थे। हाँ ये तो अच्छी बात है, आजकल अपराध कितना बढ़ गया है ना, हम जैसे अबला स्त्रियों का क्या होगा, कौन करेगा हमारी रक्षा? वैसे एक बात बताइए, ये देवपट्टन और कितना दूर है और कितना चलना पड़ेगा हमको? यहाँ से नवपट्टी ग्राम कुछ ही दूर है, जहाँ सोमा रहती है। शाबाश, लेकिन ध्यान रहे कोई भूल